नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। शरद पवार की पार्टी एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक को लेकर अभी अभी आर्यन खान की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि नवाब मलिक पिछले कुछ टाइम से लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आर्यन खान की तरफ से एक वकील हैं, उनकी तरफ से एक अपडेट दी गई है, जहाँ पर बताया गया है नवाब मलिक ने और साथ में ही प्रभाकर सैल ने जो भी आरोप अभी तक समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है आर्यन खान का। मतलब कि आर्यन खान की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि आर्यन खान ने कोई भी आरोप जो है समीर वानखेड़े के ऊपर नहीं लगाए हैं। यहाँ तक कि नवाब मलिक और साथ में ही प्रभाकर सैल ने जो भी एलिगेशन जो है समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए हैं उससे भी आर्यन खान का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस पूरे के पूरे केस में जो भी समीर वानखेड़े के ऊपर लग रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं, उससे अपने आप को बचाया है। इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, वो भी आर्यन खान के वकील के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ जो है नवाब मलिक पूरी तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर निशाना साध रहे हैं और साथ में ही प्रभाकर सहल जो है वो अपनी तरफ से लगातार बोल रहा है कि उसके पास कई एविडेंस भी हैं और उसने ये चीज़ सुना है कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात चल रही थी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।